والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ یہ تھے ہمارے دارالعلوم محب الاسلام کے حافظ صاحب جو بہترین انداز میں تلاوت قرآن سنا رہے تھے یہ وہ قرآن ہے شاعر کہتا ہے قول خدا قول محمد
फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा लाख ज़माना मगर कुरान न बदला जाएगा। और कुरान वो है जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस कुरान की तिलावत हो रही थी। अब मैं जलसे को आगे बढ़ाते हुए नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी रखते हुए एक नात ख्वां को आप हजरत के सामने पेश करने जा रहा हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर दादा महावली का उर्स मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हस्ती है, ये अल्लाह के वो वली है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे दादा महावली के दर पर जो भी आता है झोली भर के जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे दादा महावली दुल्हा बने हैं, हम बराती बने हैं। इंशाअल्लाह आज मेरे दादा महावली से कोई खाली लौट कर नहीं जाएगा, जो भी इंशाअल्लाह आएगा मेरे दादा महावली उसे झोली भर के ही वापस लौटाएंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब ज़्यादा वक्त नहीं कि मैं ज़्यादा बोलूँ, लेकिन इंशाअल्लाह नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिलसिला चालू करूं। सबसे पहले मैं हमारे मदरसे के बच्चे जिनसे मेरी मुराद जनाब मोहम्मद रेहान, जो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम महबूल इस्लाम में तालीम हासिल करता है और वाराही का बच्चा है, इंशाअल्लाह अपनी ज़बान में गुजराती भाषा में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाएगा। और अगर आपको कोई अच्छी बात लगे सुबहानअल्लाह माशाअल्लाह से नवाजते रहिए, ताकि इंशाअल्लाह आपके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाए। अब मैं मोहम्मद रेहान को दावत देने जा रहा हूँ कि अपनी मीठी और मधुरी आवाज़ में नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाएंगे। मैं उनके लिए दो शेर कहना चाहता हूँ, आप एक मरतबा दादा महावली की मोहब्बत में कह दो सुभान अल्लाह, एक मरतबा और कह दो सुभान अल्लाह। कभी गुंबद से कभी मीनार से बातें की है, कभी गुंबद से कभी मीनार से बातें की है, रात पर तैबा के अनवार से बातें की है। और जिब्राइल तेरी किस्मत का कोई जवाब नहीं, तूने नबियों के सरदार से बातें की है, तूने नबियों के सरदार से बातें की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस चौखट को चाहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शायर कहता है कि बेचान परिंदों पर हम वार नहीं करते, मुरझाए हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते, बस बस करते हैं ज़ियारत अल्लाह वालों की, गुस्ताख़ रसूल का हम दीदार नहीं करते, गुस्ताख़ रसूल का हम दीदार नहीं करते। और एक शायर कहता है कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह नहीं मिलते, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। मोहम्मद रेहान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मर आंगड़िए वो सरकार, आपो दर्शन अभी एक बार, मदीना बड़ा सांवरिया, मारे आंगड़िए वो सरकार, मदीना बड़ा सांवरिया। दर्शन बस थे जाए जीवन मा, रही ना जाए मन ही मन मा, आका
पर भरा दिल तार मदीना बड़ा सावरिया मारे आंगड़िए वो सरकार मदीना बड़ा सावरिया किम बीताओ माँ जमरा तो कौन सुनाओ मारा दुख ने वा तो कौन बीजू छे मारो गम ख्वार मदीना वाला सावरिया मारे आंगड़िए वो सरकार मदीना वाला सावरिया दाई हलीमा ना सदिका माँ सैयद जहरा ना सदिका माँ सदका मादरे बोला बिलो ने एक बार मदीना वाला सावरिया मारे आंगड़िए वो सरकार मदीना वाला सावरिया सुभान अल्लाह ये थे मोहम्मद रेहान जो बेहतरीन अंदाज में गुजराती भाषा में नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब मैं एक और बच्चा को दावत देने जा रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद सहजान है। वो बच्चा आएगा और अपनी मीठी और मधुरी आवाज़ में नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाएगा जो हमारे दारुल उलूम महिबुल इस्लाम में ये बच्चा तालीम हासिल करता है जो कच्छ का है। इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज में नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह तुम सिर्फ बसर हो तुम सिर्फ बसर हो या नबी या नूर खुदा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर हो कुरआन भी तुम्हारा कुरआन भी तुम्हारा खुद मदह सरा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो जिब्रील ये बोले एक तारा देखा सुभान अल्लाह सोच रहा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो जन्नत पे हुकुमा कौसर पे हुकुमा जन्नत पे हुकुमा कौसर पे हुकुमा सहरों एक टूटी चटाई एक टूटी चटाई पर जलवनुमा हो तुम आखिर क्या हो या नबी तुम आखिर क्या हो अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये थे सहजान वो बेहतरीन अंदाज में नात नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे। अब मैं जलसे को आगे बढ़ाते हुए एक बच्चे को
दो बच्चे को मैं बुलाऊंगा और दीनी सवालात पेश करेंगे, जिनसे मेरी मुराद जनाब आज़म खान, अय्यूब खान और रेहान, ये दो बच्चे आएंगे और आपस में दीनी सवालात करेंगे। आज़म खान, अय्यूब खान और रेहान एक कोलीवाड़ा का बच्चा है, एक वाराही का बच्चा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे मोहम्मद आजम भाई, आप कैसे हैं और कहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाई रेहन, मैं अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ और दारुल उलूम मुहिब्बुल इस्लाम गोदरका शरीफ में तालीम हासिल कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, क्या मैं आपसे चंदनी मालूमात अम्मा में से कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, इंशाल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक किन किन चीज़ों से हुई, कुरान पाक के हवाला से बताएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हवा, पानी, मिट्टी और आग से हुई, हवाला पारा 27 सूरह रहमान में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से बनाया गया, उस मिट्टी पर कितने रोज बारिश होती रही? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस मिट्टी से बनाया गया, उस मिट्टी पर 40 सबो रोज तक बारिश होती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लिबास जन्नत में क्या था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लिबास जन्नत में नाखून था। हवाला पारा मारिजुन नबुवत जिल्द अव्वल सफा 446 में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किस फरिश्ते ने सजदाए ताज़ीम किया, किस दिन किया और कितनी देर तक किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले सजदाए ताज़ीम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया, फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने किया, फिर मलाइका मुकर्रबीन ने किया। दिन जुम्मा का था, वक्त ज़वाल से असर तक सजदा रेज़ रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को रूए ज़मीन के किस हिस्से पर उतारा गया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान के सरंदीद पहाड़ पर उतारा गया और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जिद्दा पे उतारी गई। हुजूर दादा महावली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो किस सिलसिला से ताल्लुक रखते हैं? हुजूर दादा महावली सरकार सिलसिले मदारिया से ताल्लुक रखते हैं, जिनका मरकज मकनपुर शरीफ में है। हुजूर दादा महावली के पीरो मुर्शिद का नाम क्या था? हुजूर दादा महावली के पीरो मुर्शिद का नाम हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती था। हजरत सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के पीरो मुर्शिद का नाम क्या था? हुजूर सैयद जमालुद्दीन जानेमन जन्नती के पीरो मुर्शिद का नाम हजरत बदीउद्दीन जिंदा शामदार था। मेरे प्यारे मोहम्मद आजम भाई, आपका शुक्रिया, आपने मेरे तमाम सवालों के जवाब तसल्ली बख्श दिए, जज़ाकअल्लाहु खैरन। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके इल्म में और अमल में बरकत अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे आजम खान, अय्यूब खान और रेहान, जो बेहतरीन अंदाज में दीनी सवालात किए और ये भी बताया कि दादा महावली के पीरो मुर्शिद का नाम क्या था। ये भी ज़रूरी है। और आपको मालूम है कि दादा महावली के पीरो मुर्शिद सैयद जमालुद्दीन जानम जन्नती गौसे आज़म की सगी बहन का लड़का, सुबहानअल्लाह कह दो, सगी बहन नसीबा उनकी औलाद थी, सैयद जमालुद्दीन जानम जन्नती, और उनके पीरो मुर्शिद है सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार, जिनका रोज़ा मकनपुर शरीफ में चमक रहा है। कह दो सुभान अल्लाह। आज कितने इस्लामी भाइयों को हुजूर दादा महावली के पीरो मुर्शिद का नाम याद नहीं? कहते हैं मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत का हक ये है कि हमें जानना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कौन है सैयद जमालुद्दीन जानमन जन्नती? गौसे आजम के भांजे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम के सगे भांजे हैं और उन्हीं का ये बेटा है, उन्हीं का ये खलीफा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखना, मकनपुर शरीफ में भी देखो दादा महावली का ताल्लुक है, बगदाद में गौसे आजम से भी दादा महावली का ताल्लुक है। वहाँ भी जाओगे इंशाल्लाह झोली भर जाएगी, मकनपुर शरीफ में जाओगे तो भी झोली भर जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मकनपुर शरीफ की वो जमीन है, आपको मालूम है कि जब कोरोना के वक्त पूरी दुनिया की दरगाहें बंद थी कि दरगाह के ऊपर नहीं जाना चाहिए, कोरोना बंद होगा, लोगों ने इंसानों को जाना बंद कर दिया, लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया मकनपुर शरीफ की वो धरती है, वो रोजा है कि
तुमने इंसानों को तो बंद कर दिया लेकिन मकनपुर शरीफ के रोजे पर अबाबिल तवाफ कर रहे थे, अबाबिल सलाम पेश कर रहे थे। अरे तुम इंसानों पर अपनी हुकूमत चला सकते हो लेकिन इंसान जानवरों पर नहीं, क्योंकि वली की हुकूमत जबान पर नहीं बल्कि दिलों पर हुआ करती है, जबान पर नहीं बल्कि दिलों पर हुआ करती है। हमारा ईमान है कि आज दादा महावली का जो पावर है वो जबान पर नहीं बल्कि दिलों पर है। इस वजह से कि यहाँ आपको बुलाया नहीं गया बल्कि आप दादा महावली की मोहब्बत में आए। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है कि आप दादा महावली के उर्स में मौजूद हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम खुश नसीब हैं, हम खुश नसीब हैं कि दादा महावली बंगाल के बादशाह थे। अगर वो चाहते तो वहाँ भी रह सकते थे, राजस्थान में भी जा सकते थे, कच्छ में भी जा सकते थे, काठियावाड़ में भी जा सकते हैं, लेकिन हम पर मेरे दादा महावली का करम है कि वहाँ उस ज़मीन को पसंद नहीं किया बल्कि हमारी ज़मीन को पसंद फरमा के हमें रोज़ा दे दिया। और इंशाअल्लाह आज जो बादशाही हमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये हमारी ताकत के अंदर कमाल नहीं, मेरे दादा महावली की दुआ है। इंशाअल्लाह जब तक मेरे दादा महावली की दुआ रहेगी इंशाअल्लाह हमारी इज्जत आबरू बचती रहेगी, क्योंकि किसी बादशाह की नज़र नहीं बल्कि एक फ़कीर है और वह भी अल्लाह का नेक फ़कीर है, दादा महावली की ज़ात है। अल्हम्दुलिल्लाह। खैर दोस्तों, मैं जलसे को आगे बढ़ाते हुए फिर एक बच्चा को तकरीर के लिए पेश करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद बिलाल जो दारुल उलूम महबूबुल इस्लाम में पढ़ता है, वो बच्चा आएगा और तकरीर करेगा। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप बैठ जाए तो अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अदब ज़रूरी है क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब नातख्वा आएंगे तो जगह नहीं मिलेगी, इस वजह से आप बैठ जाइए और इस नीयत से बैठिए कि मेरे दादा महावली का उर्स है और यहाँ रहमत की बारिश हो रही है। कह दो सुभान अल्लाह, अगर एक छींटा हमारे पर पड़ गया तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार है ना। इंशाअल्लाह बैठ जाइए, जो लोग ऊपर बैठे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप नीचे आकर बैठिए तो अच्छा, क्योंकि सामने दादा महावली की कब्र है और उलमाए किराम का नूरानी काफिला है, आले रसूल भी आने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह अदब ज़रूरी है। जितना अदब होगा इतना इंशाअल्लाह फैज़ ज़्यादा मिलेगा, अदब ज़रूरी है। तो मैं जनाब मोहम्मद बिलाल को दावत देने जा रहा हूँ कि वो इंशाअल्लाह 5 मिनट तकरीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सलातु व सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व सहाबिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व अहले सुन्नतिही अजमाइन ला नबी बादहु व रहमतुल लिल आलमीन व खातिमन नबियीन व शफीउल मुज़नबीन, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलहु नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका ला मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजरन अकीदत पेश करें। पढ़िए बाबा ज़बरन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदा नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और अल्लाह अल्लाह के जाने से अल्लाह न मिले, कि अल्लाह अल्लाह के जाने से अल्लाह न मिले। ये अल्लाह वाले हैं जो पल में अल्लाह से मिला देते हैं। अगर कुछ मरतबा चाहो तो कर खिदमत फकीरों की,
अगर कुछ मर्तबा चाहो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। हजरत गिरामी, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे दादा मौली सरकार का उर्स मुबारक लिलकद का 16 चांद को मनाया जाता है, और मेरे दादा मौली सरकार के दरबार में लाखों लाखों नहीं आते बल्कि करोड़ों करोड़ों इंसान आपके दरबार में हाजिर होते हैं, और उन करोड़ों इंसानों में औलिया भी होते हैं, उलमा भी होते हैं, सूफिया भी होते हैं, अकिया भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, कुफार भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, बेईमानदार भी होते हैं, अपने भी होते हैं, गैर भी होते हैं, हत्ता के तमाम किस्म के इंसान हाजिर होते हैं, और हर इंसान अपने अपने तरीके पर अपने अंदाज में मेरे दादा मौली सरकार के दरबार में हाजिर होता है। कहिए सुभान अल्लाह। और कोई तो इश्क मस्ती के आलम में खुदा की हमद व सना के तराने गा रहा होता है, कोई तो कैफ़ खुशी में आका दो जहां ताजदार मदीना हबीब किबरिया हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में सलातु व सलाम पेश कर रहा होता है, कोई तो झूम झूम कर अल्लाह के प्यारे कलाम की तिलावत में मशगूल होता है, और कोई तो मेरे दादा मौली सरकार के कदमों में खड़े होकर भिखारी बनकर दस्ते सवाल बढ़ाकर मेरे दादा मौली के सदके खुदा से मांग रहा होता है। और ये हकीकत है कि हर तरह का बंदा आपको मेरे दादा मौली के दरबार में मिलेगा, लेकिन कुर्बान जाओ मैं मेरे दादा मौली के सखावत पर कि रोजा अनबन में लेटे लेटे भी किसी सवाल को खाली नहीं लौटाते बल्कि हर सवाल जोरी भर के ले जाता है। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कोई बीमार जाता है वो शिफा पाता है, अगर कोई भी औलाद जाता है उसे औलाद मिल जाती है, अगर कोई बेकरार जाता है उसे करार मिल जाता है, अगर कोई बेचैन जाता है उसे चैन मिल जाता है, अगर कोई बेसहारा जाता है उसे सहारा मिल जाता है, अगर कोई दुखी जाता है उसे सुख मिल जाता है, अगर कोई गमजदा जाता है वो खुशी महसूस करता है, अगर कोई रोता हुआ जाता है वो मुस्कुराता आता है, क्योंकि मेरा दादा मौली का दरबार अल्लाह की रहमतों का दरिया है। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मेरे दादा मौली सरकार अल्लाह के नबी नहीं, नबी के साहबी नहीं, तबाई नहीं, तबे तबाई नहीं, बल्कि अल्लाह के वली है। कहिए सुभान अल्लाह। इसीलिए किसी अहले दिल ने क्या खून कहा है, अल्लाह अल्लाह के जाने से अल्लाह ना मिले, कि अल्लाह अल्लाह के जाने से अल्लाह ना मिले, अरे ये अल्लाह वाले हैं जो पल में अल्लाह से मिला देते हैं। सुभान अल्लाह। वमालीना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद बिलाल जो बेहतरीन अंदाज में दादा महावली की शान में तकरीर फरमा रहे थे। जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बैठ जाइए, अदब ज़रूरी है इंशाल्लाह, क्योंकि आज का जो रात है बहुत मुबारक रात है, क्योंकि संदल की रात है। इंशाल्लाह आज जो भी बंदा साफ नीयतें लेकर आया होगा इंशाल्लाह मेरे दादा महावली उसे खाली नहीं लौटाएंगे, क्योंकि अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया नीयत साफ होती है तो मंजिलें आसान होती हैं। अब इंशाल्लाह मैं आप हजरात के सामने एक ऐसे नात ख्वाह को पेश करने जा रहा हूं जो कि हमारे दारुल उलूम महबूल इस्लाम की शान है। दादा महावली की दुआओं का तोहफा है जिनसे मेरी मुराद जनाब अलाउद्दीन लंगरी कह दो सुभान अल्लाह। और इंशाल्लाह इस बच्चे को इस साल दादा महावली के आंगन में कारी की सनद मिलेगी कह दो सुभान अल्लाह। और यह खुशी की बात है कि आज तक किसी को मौलवी की डिग्री नहीं मिली यहां, लेकिन ये रात बड़ी कीमती रात है कि इंशाल्लाह इस रात में दो बच्चों को कारिए कुरान की सनद दादा महावली के आंगन में देकर आपके हवाले करेंगे और वो दीन की खिदमत करेंगे, और जहां भी वो रहेंगे दादा महावली का नाम चमकाते रहेंगे।
जिनसे मेरे मुराद जनाब अलाउद्दीन लंगरी वो बचाएगा अपनी मीठी और मधुरी आवाज में नाते नबी या मनकबत। इंशाल्लाह वो मनकबत ऐसी पड़ेगा, इंशाल्लाह आप झूम जाएंगे। और इंशाल्लाह नाज शरीफ पढ़ने में कब मजा आएगी, जब मजमा साथ दे तब ही मजा आती है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अलाउद्दीन से अर्ज करूंगा कि वो अपनी मीठी और मधुरी आवाज में नाज शरीफ या मनकबत गुनगुनाए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا और वो जो न हो तो कुछ न हो, कि वो जो न थे तो कुछ न था और वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत क्या बात मदीने की, सुभान अल्लाह, क्या बात मदीने की, कि सारी दुनिया खाती है खैरात मदीने की। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और क्या खूब तेरा घर है, क्या खूब तेरा घर है, क्या खूब तेरा घर है। दामाद अली तेरे, जहरा तेरी दुख्तर है। तो मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। सारा मजमा मेरे साथ पढ़े सल्लल्लाहु अलैका रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। सुन्नियों की है ललका, बोलो दमदार बेटा, सुभान अल्लाह सुभान, बोलो दमदार बेड़ा पार। बोल दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नियों की है ललका, बोलो दमदार बेड़ा पार, बोलो दमदार बे। सुन्नियों की है ललका, अरे दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। अरे हम कहेंगे पारम पार, बोलो दमदार बेड़ा पार, बोलो दमदार बेड़ा पार। आप जिन के उर्स से मुबारक में आए हुए हैं ना, हजरत दादा हुसैन मुहिब अली लंगरी सुल्तान भी सिलसिला मदारिया से ताल्लुक रखते हैं, तो अपने हाथों को उठाकर मेरे साथ पढ़े दमदार बेड़ा पार, बोलो दमदार बेड़ा पार। दोस्त बन गए अकिया, अरे काट बन गए गुलजार, काट बन गए गुलजार। कब कि दिल से जब कहा एक सुभान अल्लाह, बोलो दमदार बेड़ा पार, सुभान अल्लाह, बोलो दमदार बेड़ा पार। शर्मा माते कि उनके नार की कसीरतें,
अपनों के लिए बरकत, अपनों के लिए बरकत। हजरत दुश्मनों पे है तलवा, बोलो दमदार बेड़ा पार, बोलो दमदार बेड़ा पार। मिलके पड़े सुन्नियों की है ललका, बोलो दमदार बेड़ा, बोलो दमदार बेड़ा। और मैं अलाउद्दीन लंगरी, मकनेपुर भी काश, अब मकनेपुर भी जाके यूं पढ़ो अशिया, बोलो दमदार बेड़ा पार, बोलो दमदार बेड़ा पार। और आखिर जर बमाते के मायर वास्ते जिंदगानी का आगा, बोलो दमदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से दादा महावली, फैजाने दादा महावली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दमदार दमदार। सुभान अल्लाह, बोलो दमदार बेड़ा पार। हजरत मैं ये हर महफिल में चंदा अशआर मेरे मुहिब अली सरकार की बारगाह में पढ़ता रहता हूँ, आइए आपके हजरत दो तीन अशआर पढ़ते हैं। फरमाते हैं कि मेरे लब पर, मेरे मेरे लब पर है तराना लंगर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुल्तान का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुल्तान का। मेरे लब पर, मेरे 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 लब पर है तराना लंगरी सुल्तान का। एक आलम एक आलम गए दीवाना लंगरी सुल्तान का। मेरे लब पर है तराना लंगरी सुल्तान का। दर पदर हाँ दर पदर हर किस जगह में हम भटक सकते नहीं। हजरत क्यों हम भटके, जब दादा महावली का जब हमें सहारा मिल चुका है तो दर बदर की ठोकरें क्यों खाएं। शेर फरमाते हैं कि दर बदर घा दर बदर घर किस जगह में हम भटक सकते नहीं, क्योंकि मिल गया है, मिल गया है आस्ताना लंगरी सुल्तान का। मेरे लब पर है तराना, मेरे साथ पढ़े, मेरे लब पर है तराना लंगरी सुल्तान का लंगरी। और माँ है जिनकी फातिमा, और बाप है शेरे खुदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उधर वालों के हाथ नीचे, आपको हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। कि माँ है जिनकी फातिमा, और बाप है शेरे खुदा। माँ है जिनकी फातिमा, और बाप है शेरे खुदा। अरे मुस्तफा का, मुस्तफा का गए घराना, अरे लंगरी सुल्तान का। मेरे लब पर है तराना लंगर, मेरे लब पर है तराना लंगरी सुल्तान का। सुभान अल्लाह। कि मुस्तफा के इश्क में जब इन्होंने खुद को कर दिया खुद को बना, मुस्तफा के इश्क में जब कर दिया खुद को बना, हो गया सारा जमाना
लंगरी सुल्तान का मेरे लब पर गए तराना लंगरी सुल्तान का लंगरी सुल्तान का मेरे लब पर है तराना लंगरी सुल्तान का। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सनद ले गुलामी की और आदमी बन जा, एक शायर कहता है, सनद ले गुलामी की और आदमी बन जा, बतुफेल जिंदा शाह मदार का बन और जन्नती बन जा, और हसद की आग में जलने से क्या फ़ायदा, मेरे दादा महावली का दामन थाम ले और मदारी बन जा, मेरे दादा महावली का दामन थाम ले और मदारी बन जा। अब जलसे को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बच्चा को अशार के लिए बुला रहा हूँ, जिनसे मेरे मुराद जनाब रेहान खान हनीफ मास्टर। बच्चा आएगा और अशार बोलकर हमारे दिल को खुश करेगा। ये वाराही का रहने वाला बच्चा है जनाब रेहान खान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहु व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुभान अल्लाह। दस्ते दुआ उठे तो जन्नत से आए खाना दस्ते दुआ उठे तो जन्नत से आए खाना ये शान फातिमा की प्यारी दुआओं में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोटे हो या बड़े हो सब हसर में कहेंगे छोटे हो या बड़े हो सब हसर में कहेंगे आका हमें बचा लो आका हमें बचा लो मौला जलाल में है। शक्श टोपी उठा के खाली दिबने वलीद बोले टोपी उठा के खाली दिबने वलीद बोले मेरा राजे कामयाबी आका के मुबारक पाल में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीदारे आका जिसको हो जाता है यकीनन दीदारे आका जिसको हो जाता है यकीनन वो कहते हैं सुकून बस उनके जमाल में है। निस्बत का ताज वो पहन कर निकलते हैं निस्बत का ताज वो पहन कर निकलते हैं जो घर से नबी का नाम लेकर निकलते हैं। अरे मौत भी देती है उसको जीने की दुआ अरे मौत भी देती है उसको जीने की दुआ जो नामे मोहम्मद को लबों पर सजा कर निकलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे वाराही का बच्चा रेहान खान जो बेहतरीन अंदाज में अशआर बोल रहा था। अब मैं नाज शरीफ के लिए एक बच्चा को मैं बुलाऊंगा जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद नसरत खान। बच्चा आएगा और नाज शरीफ पढ़ेगा और अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह से नवाजते रहे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। कि जिसने भी गौसे आजम को मान लिया उसको जन्नत में आला मकाम मिल जाएगा। बेशक। के जिसने भी गौसे आजम को मान लिया उसको जन्नत में आला मकाम मिल जाएगा और जिसने भी मेरे महावली दादा का दामन थाम लिया वो दुनिया की हर चीज में कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसने भी मेरे महावली दादा का दामन थाम लिया वो दुनिया की हर चीज में कामयाब हो जाएगा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। के सहर होते ही तारों से वो ताकत छीन लेता है बवक्ते शाम सूरज से कयादत छीन लेता है और उसे हर हाल में याद रखोगे ये लाजिम है। तकब्बुर करने वालों से
इज्जत छीन लेता है। तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। हसरत दीद में हर आँख को नम देखा है। मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। और उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से है। मैंने आका के गुलामों पे करम दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए। दुरूद सैयद कौन है के वसीले से हा। दुरूद सैयद कौन है के वसीले से। मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए तेरा ही नाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मैं इस यकीन से आया उनके रोजे पे हाँ। मैं इस यकीन से आया उनके रोजे पे। वो फेंक कहेंगे के वापस मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मैं देखता ही रहूं तुम्हारे रोजे को। मैं देखता रहो बस तुम्हारे रोजे को। जनाब जहरा का सदका के ऐसी समाए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। राहू मैं तो अली का नौकर हूँ। हमें सब जतन निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे बच्चा मोहम्मद नसरत खान जो बेहतरीन अंदाज में
نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے. اب میں ایک پھر ایک بچہ کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں جن سے میری مراد محمد توفیق آدم بھائی وہ آئیں گے اور بچہ بھی اپنی میٹھی زبان سے اشعار سنا کر ہمارے دل کو منور مجلہ فرمائیں گے. محمد توفیق جو ہمارے دارالعلوم محب الاسلام میں تعلیم حاصل کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شفینا مولانا محمد مبارک وسلم. کہ کوئی مقام نہیں ہے درے نبی کی طرح, کہ کوئی مقام نہیں ہے درے نبی کی طرح, اور کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی طرح. سبحان کہ جو ان کے ہیں انہیں منزل تلاش کرتی ہے, کہ جو ان کے ہیں انہیں منزل تلاش کرتی ہے, نہیں جو ان کے ہیں ہمارا اجنبی کی طرح. سبحان اللہ. اور نہ دیکھا چشم فلک نے کوئی کریم ایسا, کہ نہ دیکھا چشم فلک نے کوئی کریم ایسا جو مہربان ہو ادو پر میرے نبی کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک مقام سرور عالم خدا کو ہے معلوم, کہ مقام سرور عالم خدا کو ہے معلوم, کھڑے ہے قدرا پہ جبرائیل ہے رضی کی طرح. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو غلام مدار اعظم ہے بدنام ہو نہیں سکتا, کیا جو غلام مدار اعظم ہے بدنام ہو نہیں سکتا, ان کی نسبت کے سوا کام ہو نہیں سکتا. بے شک. اور خدمت دین رسالت اگر ہے مقصد, کہ خدمت دین رسالت اگر ہے مقصد تو ایسا جلسہ ناکام ہو نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش مجھ کو بھی مدینے میں بلایا جائے, کہ کاش مجھ کو بھی مدینے میں بلایا جائے, میرے دل کا بھی یہ ارمان مٹایا جائے. اور ہے یہ توفیق بھی تیرے درگاہ سنا گا ناکا, کہ ہے یہ توفیق بھی تیرے درگاہ سنا گا ناکا, روزے محشر میں اسے کملی میں چھپایا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے دارالعلوم محب الاسلام کا وہ بچہ جو بہترین انداز میں اشعار کے ذریعہ سے ہمارے دل کو خوش کیا. اب عزیزان ملت اسلامیہ جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انشاءاللہ ایک نعت خواں کو آپ حضرات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں, جو کہ انشاءاللہ ابھی بچے بھی باقی ہے تھوڑے انشاءاللہ, اور نعت خواں جن کو ہم نے دعوت دی ہے سبیر برکاتی انشاءاللہ ان قریب 5-10 منٹ میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں, ان کی بھی ہمیں نعتیں اور منقبتیں سننی ہے. اور ایک اسلامی بھائی نے 200 روپیے مدرسے کے بچے کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے, کیونکہ جو مدرسے کے بچے ہیں وہ آپ کے گھر کے مہمان نہیں, کسی امیر کے گھر کے مہمان نہیں, بلکہ رسول اعظم کے گھر کے مہمان ہیں. الحمدللہ ہمارا یقین ہے ایمان ہے کہ مسجد خدا کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان, اور جو مدرسے میں آتا ہے وہ رسول اللہ کا مہمان. الحمدللہ دنیا والے کیا جانے کہ بچے کی شان کیا ہے, دنیا والے کیا جانے کہ جو بچہ مدرسے میں جاتا ہے ان کی شان کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہ مہمان رسول ہے, جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بادشاہ نہیں, ان کے لیے کوئی امیر نہیں, بلکہ ان کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے پر بچھاتے ہیں, اور اسی پر کے اوپر یہ مہمان رسول چلتے ہیں, یہ بچے چلتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ خوش نصیب ہے کہ الحمدللہ جو بچوں کو راضی کرتے ہیں, جو بچوں کو خوش کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ یہ مہمان رسول ہے, آپ نے بچوں کو خوش کیا,
किया, गोया के नबी को राशि किया, मुस्तफा को राशि किया, क्योंकि ये मेहमान रसूल है, मेहमान मुस्तफा है। एक इस्लामी भाई ने 500 रुपये दिए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी रोजी में बरकत दे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपको मालूम है कि 500 रुपये से आपने दिए हैं, जाहिर है कि वो बच्चे खाएंगे पिएंगे इंशाल्लाह। एक और भाई ने 500 रुपये दिए, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, अता फरमाए रोजी में बरकत दे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक भाई ने 200 रुपये दिए हैं। तब मैं जलसे को आगे बढ़ाते हुए एक नातखा को आप हजरत के सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद सुभान अल्लाह जो भी इंशाल्लाह ये पैसे दे रहे हैं, इंशाल्लाह मदरसे में दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे। आपको मालूम है कि ये बच्चे को दिया जा रहा है, मेहमान रसूल है। तो मैं जलसे को आगे बढ़ाते हुए